ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों की और देखते हैं कि किस तरह से वहां पर भी मनाया गया शिवरात्रि का पर्व। देवभूमि हिमाचल प्रदेश जहां आजकल शिव भोले के रंग में रंग गया है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश की विश्व विख्यात शक्ति पीठ भी इसे अछूते नहीं है। विश्व विख्यात शक्ति पीठ नैना देवी मंदिर में आजकल शिव भोले की धूम है। यहां पर 11 दिनों तक चलने वाला शिवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये शिवरात्रि महोत्सव मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के संयुक्त सहयोग से करवाया जाता है। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मंदिर के प्रांगण में जहां पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर शाम के समय भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि महोत्सव के संयोजक पुजारी आनंद गोपाल चंडी शर्मा और यमलेंद्र कुमार का कहना है कि शिवरात्रि महोत्सव में काफी संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं हिस्सा ले रहे हैं। सुबह सुबह के समय शिव पूजा का आयोजन किया जाता है। शिव जाप, दुर्गा जाप और दुर्गा पाठ के द्वारा मंत्रों उच्चारण के पूरे क्षेत्र का वातावरण धार्मिक रंग में रंग गया है। ऐसा लगता है कि मानव शिवरात्रि के चलते ही पूरा नैना देवी भक्ति के रंग में रंग गया है। मंदिर में शिव महापुराण की कथा के दौरान आचार्य मदन लाल ने जहाँ पर शिव भगवान से जुड़ी विभिन्न कथाओं को अपनी मधुर आवाज में लोगों को बताया, वहीं पर मधुर संगीत की धुनों पर भजन गायन करके समा भी बांधा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी के प्राचीन काल शिवालय मंदिर में शिवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। यहां लाल शिवालय मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों ने शिव शंकर की पूजा करना शुरू कर दिया और भोले के जयकारे गूंजते रहे। शिव भक्तों ने भोलेनाथ का दूध, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर व फल, बांग, दतूरा आदि से जलाभिषेक किया। लाल शिवालय मंदिर में भक्तों के लिए फलाहार का भंडारा भी लगाया गया। इस बारे में पुजारी अभिनंदन शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि लाल शिवालय मंदिर में शिवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना की गई। शिवरात्रि पर भोलेनाथ व शिव शंकर भगवान का सबसे बड़ा त्योहार है। आज के दिन भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती संपन्न हुआ था। भोले शंकर का आज के दिन पूजन करने से पूरे साल का फल प्राप्त होता है। हर साल की तरह इस साल भी पिछले एक माह से लाल शिवालय मंदिर में शिव महापुराण का कथा वाचन किया जा रहा है। आज पूर्ण आहुति डालकर उसका समापन किया गया। प्राचीन लाल शिवालय मंदिर में आज सभी भक्तों के लिए फलाहार के भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं ज्वालामुखी के सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई और कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया गया। भोलेनाथ शिव की शिवरात्रि का त्योहार आज ज्वालामुखी उपमंडल के करियाड़ा नाग मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। करियाड़ा नाग मंदिर में इसके लिए पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी और हर छोटे बड़े मंदिर को सजाया गया था और पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ शिव भगवान की यहां पूजा अर्चना की गई। नाग मंदिर, हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु शिवरात्रि को यहाँ पहुंचे। पंडित कुलदीप गुलेरिया ने बताया कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर शिव भगवान की विशेष पूजा अर्चना यज्ञ किया जाता है। नूरपुर के कस्बा जसूर के समीप गांव मठोली में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से लोगों का उजूम दर्शनों हेतु उमड़ पड़ा है। दूर दूर से लोग भोलेनाथ के दर्शनों को लंबी लंबी कतारों में दर्शन हेतु खड़े हैं। मठोली का ये शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पूरा दिन शिव के दर्शनों हेतु लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। रात को हर शिवरात्रि को लगभग पिछले 70 वर्षों से शिव भोलेनाथ का नवाला होता है और अगले दिन सुबह 6 बजे से देर रात तक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। शिवरात्रि में सुबह से ही सोलन के मंदिरों में भारी भीड़ देखी गई। लोग दूर दूर से मंदिरों में भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपस्थित। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके मनपसंद बेलपत्र, बेर, भांग की पत्तियां और फल चढ़ाए गए ताकि भोले भंडारी खुश हों और अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान करें। ऐसा ही नजारा सोलन के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर का भी था, जहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गयी। सभी भगवान भोले को प्रसन्न कर उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। अधिक जानकारी देते हुए प्राचीन नरसिंह मंदिर में भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त करने आए लोगों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से मन्नत मांगता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि वे आज इस मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में लोगों की बेहद आस्था है, इसके लिए सैकड़ों लोग इस मंदिर में आकर भगवान भोले भंडारी का आशीर्वाद लेते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर भक्त चला एक छोटे से ब्रेक का आयोजन करते हैं। ब्रेक के बाद